अगर दोस्तों आप भी एक यूट्यूबर हो, यूट्यूब पर वीडियोस डालते हो, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि यूट्यूब में मोनेटाइजेशन करने के लिए आपको चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स और साथ में चाहिए 4000 घंटे का वॉच टाइम, मतलब 2,80,000 मिनट्स की वीडियो आपकी वॉच की गई हो। लेकिन एक्चुअल में ये यूट्यूब ने क्यों किया है, किस लिए ये कंडीशन लगाई है, जबकि पहले आज से 1 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, अभी किस लिए लगाया गया है, इसी बारे में आज की वीडियो में मैं आपके साथ बातें शेयर करूंगा। इस टॉपिक पे बात करूंगा, मैं अपने रिव्यूज दूंगा, और अगर आपके कोई रिव्यूज हो तो कमेंट कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टीनू, आप देख रहे हो चैनल से मनी वर्ल्ड। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो भी यूट्यूब पर वीडियो डालने की कोशिश कर रहे हैं यूजर या नए यूट्यूबर्स हैं, तो उनके लिए कंडीशन है यूट्यूब की कि उनको चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स और साथ में चाहिए 4000 घंटे का वॉच टाइम। अगर ये चीजें आपके पास नहीं है तो भाई आप लोग मोनेटाइज नहीं कर सकते अपने चैनल को। मोनेटाइज का मतलब है कि आप उस चैनल से पैसा नहीं कमा सकते हो गूगल एडवर्टाइजिंग की मदद से। बाकी चीजें आप इसमें कर सकते हो, अगर आपके पास अच्छा बेस है, यूजर बेस है, तो आप स्पॉन्सरशिप्स ले सकते हो, सुपर चैट यूज कर सकते हो, बस आप एडवर्टाइजिंग से पैसा नहीं कमा सकते। तो ये एक्चुअल में यूट्यूब ने क्यों कंडीशन रखी, इसका रखने का कारण क्या है, क्यों इन्होंने कहा कि 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, क्यों कहा कि भाई 4000 घंटे का वॉच टाइम कंपलसरी है। तो देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी यूजर, मतलब मान के चलो आप 1 महीने के अंदर 1,00,000 बंदे होते हैं जो कि यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू करते हैं, जो चाहते हैं कि उनका चैनल ग्रो करे, उनको फेम मिले, लेकिन उन 1,00,000 में से 20 या 25 यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो कि सक्सेस होते हैं, अदरवाइज सब बीच में रह जाते हैं। उनका रीजन क्या है, उनका रीजन सिर्फ यही है कि वो रेगुलर वीडियो नहीं डालते हैं, वो सोचते हैं कि 1 वीडियो 2 वीडियो के बाद पॉपुलैरिटी हो जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ में, तो वो वहाँ पे वीडियोस बनाना छोड़ देते हैं और सोचते हैं इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे वो अपने चैनल को स्टॉप कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं। तो देखो एक्चुअल में क्या है कि अगर आप इस फील्ड में आए हो तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ या सलाह समझ लीजिए इस चीज़ को कि अगर आप इस फील्ड में आए हो तो रेगुलर वीडियो बनाओ। अगर आपने टाइमिंग रखी है हफ्ते में 1 वीडियो डालने की, तो हफ्ते में 1 वीडियो डालो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 वीडियो 3 वीडियो के बाद सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा भी हो सकता है आपको 300 वीडियोज डालनी पड़े, उनमें से 1 या 2 वायरल हो जाए जिसके बाद आपको सक्सेस मिले, तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। आप वीडियोज बनाते जाओ, मेहनत करते जाओ, एक ना एक दिन सक्सेस जरूर होगे, ठीक है। जैसे कि मैं खुद अपना चैनल बनाया है सेव मनी वर्ल्ड, इसमें मैं कर रहा हूँ अभी 58 वीडियोस डाल चुका हूँ, लेकिन अभी तक वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली, वो कोई भी वीडियो वायरल की लिस्ट में नहीं गया, रैंक नहीं हुई है वीडियो, पर हो जाएगा, हो सकता है कि 1 साल बाद हो जाए, 2 साल बाद हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरीके से इसको छोड़ूं। कोई बढ़िया काम है, घर बैठे बैठे कर सकते हो, आप लोग भी कर सकते हो, मैं तो कर ही रहा हूँ। तो ये एक्चुअल में लिमिट क्यों लगाई है, देखिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, ये चैनल जो मैंने शुरू किया है ये अप्रैल में शुरू किया है मैंने, अब वहाँ से देखोगे मेरी वीडियोस को तो स्टार्टिंग की वीडियोस आपको लगेंगी कि कुछ भी नहीं था, ठीक है। फिर जो आगे वीडियोस है उनमें आपको लगेगा शायद साउंड की दिक्कत थी, फिर जो और वीडियोस आ रही है उनमें साउंड अच्छा होता जा रहा है, बैकग्राउंड की दिक्कत है। आने वाले टाइम में धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होएगा तो ये बढ़ता जाएगा। यही चीज एक्चुअल में यूट्यूब चाहता है। यूट्यूब क्या चाहता है कि जो हमारे पास यूजर रहे, मतलब जो हमारे पास यूट्यूबर रहे, वो ऐसे रहे जो कि प्रोफेशनल हो, जो कि हर एक काम बहुत इजी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके की वीडियोस बना सके और एजुकेशनल चीज प्रोवाइड कर सके। अब कुछ यूजर्स आते हैं जो मेहनत नहीं करते, किसी की कॉपी करके डाल देते हैं, उनको सक्सेस नहीं मिलती तो वो वहां से वापस चले जाते हैं। अब जो यूजर 1000 सब्सक्राइबर कर लेगा, मतलब 1000 सब्सक्राइबर करना कोई बड़ी बात नहीं है, कई लोग इसके लिए पैसे भी देते हैं, आप 2000-3000 रुपए देके वॉच टाइम भी ले सकते हो, यूजर बेस भी ले सकते हो, लेकिन भाई लोग उसका बिल्कुल भी फायदा नहीं है, ये चीज अपने दिमाग में डाल लो, उस चीज का बिल्कुल भी फायदा नहीं है। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है भाई कि अगर आप सब्सक्राइबर ले भी लेते हो तो आप वॉच टाइम भी आप पैसे का ले लिया, लेकिन बाद में अगर आप कोई वीडियो डालोगे, आपके 10,000 सब्सक्राइबर तो वहाँ देखने वाले 50 या 100 बंदे होंगे, क्या फायदा है ऐसे सब्सक्राइबर्स का। लेकिन अगर यही चीज आप मेहनत करके खुद कमाते हो सब्सक्राइबर्स, मतलब आपकी वीडियो देख के, आपके कंटेंट देख के आपके सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं, तो उसका फायदा इतना होगा कि अगर आपके 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं तो गारंटेड 9,000 बंदे तो आपकी वीडियो देखेंगे ही। तो
तो अगर 9,000 बंदे आपकी वीडियो देखेंगे तो उससे कमाई भी आपको उसी हिसाब से आएगी। तो ये फेकनेस के चक्कर में मत पड़ो, और ये जो कंडीशन लगा रखी है इसका सब सिर्फ यही मोटिव है कि जब तक आपको ये कंडीशन पूरी करोगे, मान लीजिए नए यूट्यूबर हो, साल में होती है, 1.5 साल में होती है, लेकिन जिस दिन भी आप ये कंडीशन पूरी कर लोगे, आप एक आपके अंदर एक हुनर आ जाएगा कि आप कोई भी वीडियो बना सकते हो, कहीं पे किसी के सामने भी खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हो, बिना झिझके, बिना कुछ कैमरे को फेस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। तो भाई ये जो चीज़ें हैं यूट्यूब ने जहाँ तक मुझे लगता है बिल्कुल सही की है, अगर ये नहीं करते तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हो जाते, लेकिन क्या है कुछ कंडीशंस हैं यूट्यूब की जिनको फुलफिल नहीं कर पाते, काफ़ी सारे लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं और वो रास्ते में इस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो देखो इसके फ़ायदा तो है इस चीज़ का, और फ़ायदा मुझे लगता है कि बिल्कुल सही यूट्यूब ने किया है, ठीक है। कई आपने देखी होंगी वीडियोस बना रखे हैं लोगों ने, यूट्यूबर्स ने, कि 4,000 घंटे आप ऐसे करो आपको एक दिन में मिल जाएंगे, ये तरीके अपना। भाई मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, जो यूट्यूबर्स पहले से सक्सेस हो चुके हैं, पॉपुलर हो चुके हैं, ठीक है, वो आज से नहीं वीडियो डाल रहे, वो 2-3 साल से डाल रहे हैं, जब उनका चैनल एक्चुअल में मोनिटाइज हुआ था तो उनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब की कंडीशन थी ही नहीं, तो वो कैसे बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में। कंडीशन ये आज है, अगर आप मोनिटाइजेशन के बारे में देखोगे, ये 1 साल से ही शुरू किया है यूट्यूब ने, कि मोनिटाइजेशन की कंडीशन जो है ये 1 साल से शुरू किया, मोनिटाइजेशन ये काफ़ी टाइम से चला रहे थे।